आज हम लोग ये ऐश गार्ड का हलवा बनाएंगे। इसके लिए ये ऐश गार्ड ऐसा कट करके पीसेस कट करना है और इसको ऐसा कद्दूकस करके रखना है। अभी मैं कुकर में कुछ भी नहीं डाला, प्लेन कुकर है। इसमें मैं ये ऐश गार्ड को, कद्दूकस किया हुआ ऐश गार्ड को इसमें डाल के थोड़ा प्रेशर कुक करूँगी पहले। अभी प्रेशर कुकर में 1 सीटी रखेंगे, ऐसा प्रेशर कुक करूंगी मैं। अभी 1 विजिल आया है, हम कुकर को बंद करेंगे ठंडा होने के बाद ढक्कन खोल के देखेंगे। अभी मैं ढक्कन खोल रही हूँ। खोलने से ये ऐसा है, अभी ऐसा पक गया। इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा है, इसको हम लोग पानी को एवाप्रेट करेंगे और हीटर ऑन करके पानी को एवाप्रेट करेंगे। अभी देखिए, अभी पूरा पानी ये हो गया, कम हो गया। अभी थोड़ा सा पानी तो है, हम इसमें अभी शक्कर डालेंगे। ये एक्चुअली 1 कप है, बड़ा सा कप है। अभी मैं इसमें आधा कप शुगर डालूँगी। ऐसा तो मैं अप्रोक्सीमेटली डाल रही हूँ, आप ज़्यादा खाने से ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तो 6 स्पून डाल रही हूँ, शक्कर डाल रही हूँ। अभी ये पाक जैसा बनेगा और थोड़ा नज़दीक आना है। ये पूरा पाक में फिर से ये होना है। थोड़ी देर 5 मिनट रखेंगे हम लोग। अभी हमारा हलवा ऐसा कंसिस्टेंसी है। हम लोग अभी क्या करेंगे, ये कढ़ाई लगाएंगे, इसमें थोड़ा घी डालेंगे। 1 स्पून घी लिया, बहुत कम लिया हूँ मैं। ये काजू बादाम नट्स है और ये इलायची पाउडर है। पहले हम लोग इसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसमें नट्स डालेंगे। थोड़ा फ्राई करेंगे। काजू बादाम तो फ्राई हो गया, मैं इसमें ये गाजर, ये ऐश गार्ड का ये डालूंगी। 1 मिनट पूरा डाल, ये इलायची पाउडर है, 2 इलायची डाली हूँ। वैसे कलर तो ये वाइट ही रहेगा, लेकिन खाने में बहुत मज़ा आएगा। एक बार आप करके देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैं थोड़ा सा एवरीडे मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, बहुत कम, 2 स्पून करीब डाली हूँ, ताकि ये पानी रहेगा ना वो सूख जाएगा और टेस्ट भी बढ़िया रहेगा। सिंपल है एंड स्वीट, बहुत बढ़िया रहेगा। बस हो गया ऐश गार्ड का हलवा। देखिए, ऐश गार्ड का हलवा रेडी हो गया। आप भी थोड़ा घर में करके टेस्ट करके बता दीजिए कमेंट्स के जरिए। ये हलवा ग्लासी लुक तो चला बहुत ट्राई से चूँ। हलवा ग्लासी लुक जैसा रहेगा, आप भी ट्राई करिए, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा।